हे गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। और आज हम लोग जा रहे थे डी मार्ट और थोड़ा सा काम था हमें मार्केट में, हमें वो करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बना लें। बाय ऋषि, ऋषि बाय, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? अच्छा दादी को बाय तो करो, आप घर में रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप? शॉपिंग करने जा रहे हो ऐसे करके? कहाँ जा रहे हो? बाय बोलो, बाय। हाँ ऐसे बाय करो, बाय कर दो, बोलो हेलो गाइस। बाबू का ऐसा उसे कहीं भी घुमाने ले जाओ ना तो बहुत ही खुशी जाती है, और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था ना कि वो बहुत ही एंजॉय कर रही थी। और बस हम लोग जल्दी से जा रहे थे, डी मार्ट जा रहे थे हम लोग, तो बस ये रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे बाबू जिसको भी देख रही थी सबको बाय कर रही थी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसका स्लो मो ले लेती हूँ। और बहुत मस्ती कर रही थी रास्ते में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका शूट कर लेती हूँ। इसका ऐसा है जैसे ही इसे कहीं घुमाने ले जाओ तो इसके पापा को इतना प्यार करती है, पूरे रास्ते में बहुत प्यार करते हुए जा रही थी। मार्केट का मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सोचा डी मार्ट के ही ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हमारी मंजिल तक आ गए हैं। भाई भाई इसको शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ये जो चीज़ देखती है इसको ऐसा लगता है कि ये भी रख लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो बस इसे हैंडल करना और शॉपिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट था हम दोनों के लिए। यहाँ पे हमको आशिकी 2 के आदित्य रॉय कपूर का चश्मा मिल गया था, और बाबू से पहन के इतना इतरा रही थी। दुपट्टा ढूंढ रही थी वाइट कलर का, जो मुझे नहीं मिल रहा था, सारे कलर थे बट वाइट कलर नहीं था। मैंने पीछे तक देख लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट मुझे किसी भी सूट पे मेरे मैच नहीं था, तो मैंने फिर नहीं दिया इसे। और मैं ढूंढे जा रही थी पर मुझे नहीं मिल पाया। मेरे को दे दो, मुझे दे दो, मुझे चॉकलेट चाहिए। थैंक यू, थैंक यू बोलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। आप खा लो, आप खा लो। यहाँ इसने जैसे ही लास्ट बाइट लिया है वैसे ही रोने लग गई कि मुझे दूसरी आइसक्रीम दिलाओ। क्या हुआ? और बाहर बारिश जैसा मौसम हो रखा था, तो पंडित से लेके इतनी तेजी से भागे कि अभी आइसक्रीम के लिए जिद ना कर जाए वापस से। और खाना है? और आइसक्रीम की और जी पूरी एक खाली और जी। क्या चीज़ ऋषि, कहाँ पे? इसके साथ मस्ती कर रही थी कि इतनी तेज बारिश आने लगी, आप लोग देख सकते कितनी मोटी मोटी बूंद आ रही है। पतिदेव इसे अंदर की तरफ लेके इतनी तेजी से दौड़े, हमारा घर जाने का टाइम हो ही रहा था कि बहुत ही तेज बारिश होने लगी, फिर हमें काफी टाइम के लिए रुकना पड़ा। हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे मौसम, ये रे पापा, ये रे पापा, ये रे। ऋषि पापा के साथ सामान तो रखो, आप तो लगे जा रहे हो। बाय बाय।
यहाँ पे पति देव इससे मजाक कर रहे थे और ये मुझे जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मम्मी पापा को रोको, पापा मैं छोड़ के जा रहे हैं। हाँ पापा गए छोड़ के, पापा छोड़ के गए। हाँ पापा छोड़ के जा रहे हैं। ये मुझे हंसाने के लिए ऐसे फनी फनी फेसेस बनाती है, ये अभी भी ऐसे करेगी देखना आप। बाबू थक गई थी और उसे बस नींद आ रही थी तो बस रास्ते में ही सो गई थी वो। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे तो भाई साहब बैटरी लो हो ही गई थी ऑलमोस्ट, बस घर आने वाला था जा रहे हो और नींद आ चुकी थी उसे।